राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि, तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि महादेव कहते हैं, क्षमा कीजिए मुझे श्रीनिवास, मुझे भार्गवी और पद्मावती का ही साथ देना होगा, ये स्वयंवर पूर्ण नहीं हो सकता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे स्वयंवर में नर्तक के प्रतियोगी नृत्य करते करते गिर जाते हैं और तभी बाला कहता है राजकुमार और बताता इन्हें तो गंभीर चोट लगी है, इन्हें शीघ्र ही राजवैद्य के पास ले चलना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महाराज आकाश कहते हैं, मां ऋषि बिगु से रिसीवर, ये क्या हो गया मेरी पुत्री के स्वयंवर में, मुझे लगता है कि अब कोई भी राजकुमार नृत्य प्रतियोगिता पूर्ण नहीं कर पाएगा, सबके मुख पे मैं संदेह ही देख रहा हूँ। और फिर ऋषि भृगु बताते हैं, इसमें चिंता का कोई भी विषय नहीं है राजन, मुझे लगता है कि आपको किसी और राजकुमार को बुलाना चाहिए अपना प्रदर्शन देने के लिए। और फिर महाराज आकाश खड़े हो जाते हैं और सभा में सभी लोग खड़े हो जाते हैं और महाराज आकाश कहते हैं, प्रतियोगिता में जो कुछ भी घटित हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, किंतु मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि घायल हुए राजकुमार को सर्वश्रेष्ठ उपचार दिया जाएगा, वो भी इसी क्षण। और फिर आगे कहते हैं महाराज आकाश, यदि आप में से कोई कुमार प्रस्तुति देना चाहते हैं तो वो आगे आ सकते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर में आए हुए राजकुमार आपस में बात कर रहे होते हैं, महल में सबके समक्ष प्रयास होने से बेहतर है कि मैं नृत्य ही ना करूं। और तभी दूसरे राजकुमार कहते हैं, सत्य कहा, इन्हें कोई भा ही नहीं रहा, स्वयंवर की नृत्य प्रतियोगिता इतनी भी विशेष नहीं कि हम अपना आत्मसम्मान खो दें, कदापि नहीं। और फिर सभी राजकुमार कहते हैं, हाँ सही कहा। और ये सब सुनकर राजकुमार बासु कहता है, मुझे लगता है कि आज की प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देना चाहिए पिताश्री, सबको आराम की आवश्यकता है, कल पुनः आरंभ करते हैं। और फिर तभी महाराज आकाश हाथ जोड़ के सभी से कहते हैं, यहाँ पधारने के लिए मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, ये प्रतियोगिता कल पुनः आरंभ होगी जो स्वयंवर का अंतिम दिवस होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न हो रही होती है और श्रीनिवास को देख रही होती हैं और श्रीनिवास अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। और फिर महाराज आकाश महर्षि भृगु और श्रीनिवास जा रहे होते हैं और श्रीनिवास महाराज आकाश से कहते हैं, मुझे भी आज्ञा दीजिए मैं चलता हूँ। और फिर श्रीनिवास जा रहे होते हैं और महर्षि भृगु कहते हैं, सुनो श्रीनिवास, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है, मुझे लगता है कि जो राजकुमार घायल होकर गया वो राजकुमारी पद्मावती के लिए श्रेष्ठ बर सिद्ध हो सकता है। और महाराज आकाश भी वहीं होते हैं और सारी बात सुन रहे होते हैं और कहते हैं, ऋषि भृगु तुम भी मेरी बात से सहमत हो ना श्रीनिवास। और राजकुमारी पद्मावती भी सुन रही होती हैं और अत्यंत चिंतित हो जाती हैं और राजकुमार बासु भी वहीं होता है। और फिर श्रीनिवास महर्षि भृगु से कहते हैं, क्षमा कीजिएगा किंतु मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। और तभी ये सुनकर राजकुमारी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, सोच रही होती है कि श्रीनिवास मुझसे सत्य में कितना प्रेम करता है। और फिर ऋषि भृगु पूछते हैं श्रीनिवास से, किंतु क्यों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो राजकुमार राजकुमारी पद्मावती के लिए श्रेष्ठ चुनाव होगा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, ऋषि भृगु मैं मानता हूँ कि राजकुमार का प्रदर्शन अत्यंत श्रेष्ठ था, किंतु प्रतियोगिता के अंत तक रहना ही नियम था और उसमें राजकुमार उत्तीर्ण नहीं हो पाए। और फिर श्रीनिवास बताते हैं, यदि मत्स्य के नेत्र में बाण मारते समय अर्जुन धनुष ही हाथ से गिरा देता तो अर्जुन कभी स्वयंवर में सफल नहीं हो पाता, बस यही मेरा तर्क है। और फिर ये सुनकर महाराज आकाश कहते हैं, बात तो श्रीनिवास ने उचित ही कही है ऋषिवर, और कहते हैं कल तक की प्रतीक्षा करते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश अपनी पुत्री राजकुमारी पद्मावती के समक्ष जाते हैं और अपना हाथ राजकुमारी पद्मावती के सर पर रखकर अपना आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम मन छोटा मत करो पुत्री,
मुझे पूर्ण विश्वास है तुम जैसा वर चाहती हो इस स्वयंवर से तुम्हें वैसा वर अवश्य ही मिलेगा। और राजकुमारी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है पिताश्री, कल मुझे मेरा मन चाहा वर अवश्य मिलेगा। और राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास को देख रही होती हैं और श्रीनिवास चिंतित होते हैं और फिर सभी सभा से चले जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती नटराज के मंदिर में होती हैं और कहती हैं, धन्यवाद महादेव मेरी प्रार्थना सुनने और स्वीकारने के लिए। और महादेव देख रहे होते हैं सब कुछ और देवी पार्वती भी साथ में होती है महादेव के और सब कुछ देख रही होती हैं। और फिर आगे राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, अब श्रीनिवास और मेरे मिलन के बीच कल ही का दिवस शेष है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा श्रीनिवास के साथ विवाह का स्वप्न अवश्य पूर्ण होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास अत्यंत चिंतित होते हैं और महादेव से कहते हैं, ये क्या करते हैं आप महादेव, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, क्यों आपने मेरी बात नहीं सुनी। और महादेव देवी पार्वती देख रहे होते हैं और फिर आगे श्रीनिवास कहते हैं, मेरे हर प्रयास पे मेरे हर कर्म पे आपने आज पानी फेर दिया है, अब मैं क्या करूँगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों से कहती है, मैंने कहा था ना कि श्रीनिवास सभी को अस्वीकार कर देगा और वही हुआ। और फिर राजकुमारी कहती है, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भी मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए अब उसके विषय में कुछ मत कहना। और फिर सखियां कहती हैं, क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, मुझसे भूल हो गई, मैं तो स्वयं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका और श्रीनिवास का विवाह शीघ्र ही हो जाए। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, मेरा और श्रीनिवास का विवाह अवश्य ही होगा। और कहती हैं, कल सबको इस पूर्ण संसार को ये ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु श्रीनिवास के कक्ष में जाते हैं और तभी श्रीनिवास देखते हैं महर्षि भृगु को और कहते हैं, ऋषि भृगु आप यहाँ आइए ना। और कहते हैं, ऋषि भृगु मैंने सुना था कि लालच मनुष्य की मनसा को परिवर्तित कर देता है, आज देख भी लिया। और कहते हैं, कहाँ एक भोले से योग बनकर आए थे मेरे आश्रम में और कहाँ यहाँ राजमहल में रहने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है, राजा आकाश को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो ना तुम ये सब। और कहते हैं, तुमने मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम मेरा साथ दोगे किंतु तुमने। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, क्षमा कीजिएगा ऋषि भृगु। और हाथ जोड़ के श्रीनिवास कहते हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं। और कहते हैं, आगे सत्य ये है कि मैंने जो आपसे कहा था मैं वही करना चाह रहा था, मैं उसी राजकुमार को राजकुमारी पद्मावती के लिए चुनना चाहता था किंतु अंतिम समय पर वो व्यक्ति मूर्छित होकर गिर गया और ऐसे में मैं उन्हें चुन नहीं सका क्योंकि वो कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाए। यदि इस परिस्थिति में मैं उन्हें चुन लेता तो राजकुमारी के साथ ये छल नहीं होता, मैंने बस वही किया मुझे जो उचित लगा उस समय। राजकुमारी ने भी मुझ पर विश्वास किया है, निर्णायक का पद मुझे दिया है, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। यदि कर पाए ऋषि भृगु, भूल गए आप सब कुछ, भूल गए कि कैसे आपके क्षण क्रोध के कारण क्या क्या हुआ था। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं, देवी लक्ष्मी ऋषि भृगु से कहती है, जहाँ आपने लात मारी वो मेरा स्थान है, उसके लिए मैं आपको कदापि क्षमा नहीं करूंगी। और फिर देवी लक्ष्मी श्राप देती है महर्षि भृगु को कि लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। और फिर ऋषि भृगु ने वर मांग लिया होता है नारायण से कि लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। और फिर नारायण कहते हैं, तथास्तु भृगु। और फिर श्रीनिवास स्मरण करके आगे कहते हैं, मैं भली भांति जानता हूँ मैं अपने कर्म और धर्म से विमुख नहीं हो सकता, मुझे उसका सामना करना ही होगा, ये मुझसे अधिक भला कौन जानता है, इसलिए तो आया हूँ इस संसार में श्रीनिवास बन के अपनी भार्गवी को पाने, छल से नहीं आपसे विजय प्राप्त करके मैं अपनी भार्गवी को पाऊंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी अत्यंत ही चिंतित होती है और महादेव की पूजा कर रही होती है और तभी देवी पार्वती कहती है, महादेव
आपने भार्गवी और पद्मावती की प्रार्थना सुनकर अपना कर्तव्य निभाया। अब भार्गवी के आंसू रोकने का दायित्व मेरा है। और फिर तभी देवी पार्वती अपना रूप बदल के भार्गवी के समक्ष जाती हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।